नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल कंप्यूटर हेल्प में स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है राहुल कुमार और हमारी जो क्लास चल रही थी इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने कीबोर्ड पढ़ा, फिर माउस, और माउस के पश्चात आज हम आगे और चलते हैं। और आज का जो हमारा इनपुट डिवाइस है उसका नाम है बीसीआर। बीसीआर का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। ये उपकरण क्या होता है, किस प्रकार से कंप्यूटर को इनपुट यानी निर्देश देता है, वो इसके बारे में हम जानते हैं। देखो इसकी जो मेन संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है, यानी कि इस प्रकार का कोई भी एक लेबल बना हुआ होता है, और जो बारकोड होता है यानी जो बीसीआर है उस बारकोड को ऐसे स्कैन करता है, और स्कैन करने के पश्चात हमें जो कंप्यूटर इनपुट पहुंचाना होता है वो कार्य बीसीआर के द्वारा करवा सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। बारकोड बनाने का श्रेय, यानी कि जो बारकोड जिन्होंने बनाया है उस वैज्ञानिक का नाम है नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। जो बारकोड है इसको जो बनाया है उनका नाम है नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। ये वैज्ञानिक है, उन्होंने बीसीआर का निर्माण किया था। आइए इसके बारे में आगे और जानते हैं। बारकोड रीडर एक विशेष प्रकार की इनपुट डिवाइस है। ये बात तो हमें पता है कि हम देखो इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं, तो ये जितने भी उपकरण होंगे वो सारे सारे इनपुट डिवाइस होंगे, यानी कि जो कंप्यूटर तक निर्देश पहुंचाए। तो और यह बारकोड को स्कैन करके उससे प्राप्त डाटा इनपुट, यानी जो बारकोड मशीन होती है वो इस डाटा को स्कैन करेगा, और इससे संबंधित जो डाटा है वो इनपुट हमारे कंप्यूटर तक सीधे सीधे ले जाती है, और यह डिवाइस बारकोड पढ़ने के काम आती है। आप किसी भी जनरल स्टोर या किसी बड़े संस्था में चले जाते हो तो देखो वहां पर इस प्रकार का एक किसी भी लेबल बना हुआ होता है, जैसे पार्ले जी बिस्कुट है, नमकीन है, तो उन पर देखो इस प्रकार से एक बारकोड बना होता है, उसको ये स्कैन करती है। स्कैन करने के पश्चात जैसे उसकी कीमत या उसका लेबल या उसका क्रमांक इत्यादि हमें जांच करना होता है, तो हम बीसीआर यानी कि बारकोड रीडर का उपयोग करते हैं। और इसको जो बनाने का श्रेय है वो नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड को दिया गया है। तो ये था बीसीआर। इसके बाद हम आगे जानते हैं ओसीआर। ओसीआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। इसका पूर्ण नेम होगा ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। इसके बारे में भी जानते हैं। इसका उपयोग कागज पर लिखी हुई सूचना को रीड या स्टोर करने के लिए किया जाता है, यानी जो बार ये जो ओसीआर होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, कोई कागज पर लिखी हुई सूचना अगर आप कंप्यूटर तक पहुंचाना चाहते हो तो उसके लिए ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर का उपयोग कर सकते हो। इसके माध्यम से हम उसको पढ़ भी सकते हैं और कंप्यूटर में स्थायी रूप से उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये कार्य होता है ओसीआर का। ओसीआर तथा बीसीआर के पश्चात अपने पास नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आता है एमआईसीआर। एमआईसीआर एमआईसीआर का पूरा नाम जानते हैं। एमआईसीआर का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये एमआईसीआर का पूरा नाम होता है। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। एमआईसीआर का नाम उस टेक्नोलॉजी को दिया गया है जिसकी मदद से ये कोड को प्रिंट किया जाता है, क्योंकि सभी बैंक ब्रांच को एक यूनिक एमआईसीआर कोड दिया जाता है, और यह आरबीआई को मदद करता है बैंक ब्रांच को पहचानने के लिए, जिससे क्लियरिंग प्रोसेसिंग में तेजी आ जाती है। यानी कि जो एमआईसीआर है उसका उपयोग किस मेन शाखा में किस कैसे हम करेंगे वो बताएंगे हम यहाँ क्या। तो देखो आप बैंकों में आप सभी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको बैंक पासबुक या चेक का उपयोग तो आपने किया होता है। तो देखो जैसे चेक होते हैं, ये अपना चेक है, इसमें मान हमारे पास जो डिटेल है, अमाउंट है, सिग्नेचर है, इस प्रकार से होते हैं। लेकिन कभी कभी आपने नोट किया होता है, देखो यहाँ चेक जस्ट ऊपर कुछ नंबर होते हैं, और वो नंबर जो मैग्नेटिक इंक है उससे प्रिंट किए हुए होते हैं, और ये जो नंबर होते हैं यहाँ पर ये सभी बैंक ब्रांच और जो शाखा है सबके अलग अलग होते हैं, जिस पर चेक नंबर या शहर का नाम या ब्रांच का कोड
ये चेक नंबर पर दर्शाया जाता है। ये स्कैन करने के लिए MICR यानी कि ये एक अपने पास मैग्नेट इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यंत्र होता है, जिसके माध्यम से जो ये टेक्नोलॉजी है वो बैंक ब्रांच का जो यूनिक MICR कोड है उसको पहचानने के लिए मदद करती है। और जैसे ही वो क्लियर हो जाता है तो उसमें जैसे चेक प्रोसेसिंग होती है वो तुरंत प्रभाव के साथ क्लियर हो जाती है। तो ये होता है MICR का उपयोग, यानी कि जो चेक होता है उस पर जो नंबर होते हैं उसको प्रिंट करने के लिए या उसके बारे में जानने के लिए हम MICR का उपयोग करते हैं। MICR के पश्चात नेक्स्ट अपने पास होता है OMR। OMR इसके बारे में भी जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में पूरा नाम। इसका पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक विशेष प्रकार का स्कैनर होता है, यानी एक इनपुट डिवाइस है। यानी ये भी डाटा को, जैसे कोई भी अपने डाटा उसको स्कैन करेगा तो स्कैन करने के साथ हम उसके ये बोल सकते हैं कि इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इन कंप्यूटर में निर्देश भेजना हो तो हमें स्कैन करना हो या फिर वैसे ही यूजर द्वारा दिया जाता है। तो जो विशेष प्रकार के चिन्ह या मार्क्स को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है तथा इसके द्वारा ओमार सीट पर ली गई जो परीक्षाएं होते हैं उसके उत्तर जांच करने के लिए भी हम OMR का उपयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने ओमार सीट पर विभिन्न प्रकार की एग्जाम दी होंगी, तो ओमार सीट पर जैसे ये एक नंबर का क्वेश्चन है उस प्रकार जिसमें चार गोले होते हैं और ऊपर आंसर होते हैं A, B, C और D, इनमें जो सही आंसर हो उसको आप फिल कर दीजिए। जैसे आपने बी फिल किया है तो ये क्वेश्चन सही है या गलत, इसके लिए जांच करने के लिए हम OMR का उपयोग करते हैं। यानी कि ये OMR शीट को स्कैन करेगा और स्कैन करने के पश्चात उसे कंप्यूटर तक पहुंचाएगा और कंप्यूटर उस डाटा को मैच करने के पश्चात हमें शुद्ध परिणाम उपलब्ध करवाएगा। यानी कि ये सही होगा तो इसको सही चेक मार्क करेगा, इसका नंबर एड कर लेगा, अगर ये गलत होगा तो इसको गलत कर देगा। ये होता है OMR का उपयोग। इसका पूरा नाम मैंने यहाँ बता दिया हो तो इस प्रकार से हम इनके बारे में जान सकते हैं।